सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी व्हिच इज डायलिसिस। फंक्शंस ऑफ किडनी, देखिए पहले की वीडियोस में हमने देखा है कि किडनी का जो फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन का है। इसके अलावा किडनी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट वन इज ऑस्मोरेगुलेशन। देखिए ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का जो कंटेंट है वो एक कांस्टेंट अमाउंट में होना चाहिए। उस सिचुएशन को या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ साल्ट इन वाटर इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय किडनी इटसेल्फ। देखिए यूरिन फॉर्मेशन का पर्पस क्या है कि हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, वाटर है या मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही क्या है, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस साल्ट है और एक्सेस वाटर है, उसका रिमूव होना एक कांस्टेंट अमाउंट में हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर का अमाउंट और साल्ट का अमाउंट कांस्टेंट होना, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय किडनी। मेंटेनिंग कांस्टेंट सॉल्ट एंड वाटर इन आर बॉडी इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज परफॉर्म्ड बाय किडनी एंड द अदर फंक्शन ऑफ किडनी इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। कि अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक वेस्ट है या टॉक्सिक सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल कि हम बहुत सारी ड्रग्स खाते हैं, टेबलेट्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उसमें क्या है बहुत सारे साल्ट होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर वो क्या है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उन सब्सटेंसेस का जो रिमूवल का जो फंक्शन है वो भी कौन परफॉर्म करता है, किडनी करती है। उसके बाद है, अगर हमारी बॉडी में कोई एक्सेस अमाउंट में एसिड या बेस प्रेजेंट है तो उसका रिमूवल भी किडनी करती है। रिमूवल ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि कोई भी अगर एक्सेस अमाउंट में कोई भी बेस है या एसिड है उस जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है तो उसका रिमूवल जो है किडनी की हेल्प से होता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन का काम भी किडनी करती है कि अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर उसके अंदर बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो किडनी क्या करती है, एक्सेस अमाउंट को यूरिन फॉर्मेशन, आपने देखा होगा कि जिस दिन वाटर इंटेक ज़्यादा होता है उस दिन हम यूरिन एक्सक्रीट आउट ज़्यादा करते हैं। तो रीज़न वही होता है कि हमारी बॉडी में वाटर का जो कंटेंट है वो या जो अमाउंट है वो एक कांस्टेंट अमाउंट होना चाहिए। तो एक्सेस जो भी है वो किडनी उसको क्या करवा देती है, रिमूव आउट करवा देती है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ किडनी अदर देन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल किडनी। अब देखिए आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है जिसकी दोनों किडनी फेल हो गई है या किडनी फेलियर या रीनल फेलियर जिसे कहा जाता है, उस केस में क्या है कि हमने देखा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, उसका रिमूवल जो है वो बहुत नेसेसरी है। अगर किडनी फेल हो जाती है तो क्या होगा कि वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी में ही क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता है, विच विल लीड टू इवन डेथ ऑफ दैट पेशेंट हैविंग द रीनल फेलियर। तो क्या हो सकता है उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, कुछ टाइम के लिए देखिए डायलिसिस क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किडनी फेलियर का, लेकिन कुछ टाइम के लिए क्या है
कि अगर जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है तब तक क्या है, हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर सकते हैं उस पेशेंट में से मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सेस साल्ट को रिमूव करवाने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करवाने के लिए। तो डायलिसिस क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, उसमें एक टेक्निक यूज़ की जाती है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो है की ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर से ब्लड जो है वो पास करवाया जाता है और जो एक्सेस मेटाबॉलिक वेस्ट है वो वहाँ से फिल्टर हो जाता है, जैसे कि नेफ्रोन में होता है उसी तरीके से। तो वन बाय वन जो है प्रोसीजर हम देखेंगे कि कैसे जो है हमारा जो ब्लड जो है वो फिल्टर होता है आर्टिफिशियल किडनी में। डायलिसिस इज आर्टिफिशियल किडनी। ये आर्टिफिशियल किडनी होती है। आप देखिए कि जो आर्टिफिशियल किडनी है उसका मेन पर्पस वही है जो एक नेचुरल किडनी का होता है, कि हमें वहाँ से जो हमारा ब्लड है उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको रिमूव करवाना है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है कि जैसे नेचुरल किडनी का काम है एक्सेस साल्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करवाना, अगर किसी पर्सन में किडनी फेलियर हो जाता है और डायलिसिस नहीं होती है तो उसमें क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक वेस्ट डिपॉजिट हो जाएगा और एक्सेस वाटर जो है वो फ्लूड जो है वो बॉडी में हो जाता है, उस कंडीशन को ओडीमा कहा जाता है। तो देखिए आर्टिफिशियल किडनी जो होती है उसमें एक सेटअप होता है, उसमें क्या होता है कि एक फ्लूड लिया जाता है, उस फ्लूड की जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है नॉर्मल ब्लड के जैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉक्स है और इसके अंदर ट्यूब्स लगी होती है और इन ट्यूब्स में डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता जो ब्लड है उसको पास करवाया जाता है इन ट्यूब्स के अंदर से, और जो ये जो बीच का जो ये पोर्शन बच गया ये वाला, ये इस यहाँ पर क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूड होता है। डायलाइजिंग फ्लूड इसमें भरा होता है, यहाँ पर जो है ये ब्लड पास करवाया जाता है। जो ये ट्यूब्स होती हैं ये एक मटेरियल होता है जो कि सेलेक्टिवली परमीएबल होता है, सेलेक्टिवली परमीएबल जो बना होता है सेलोफिन का। सेलोफिन इज ए सेलेक्टिवली परमीएबल सब्सटेंस विच ओनली अलाउ टू पास सम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो देखिए क्या करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट जो है ये उसका आर्म है और इसके जो आर्म है इससे एक लाइन जोड़ी जाती है और ये जो आर्टरी है उसमें से ये जो ब्लड है ये पास करवाया जाता है कहाँ पर, इस ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब्स लगी हुई है इनके अंदर ये आर्टरी है, आर्टरी लाइन कि मतलब जो लाइन जो पेशेंट है उसके आर्टरी से इसको कनेक्ट किया गया है और यहाँ से जो ब्लड है ये इस सेटअप में आ जाता है, इस मशीन में आ जाता है और ये ब्लड जो है ये इसमें से सर्कुलेट करता रहता है इनके अंदर से, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये इन ट्यूब्स के अंदर से सर्कुलेट करता रहता है और यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है जिसका जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है ब्लड के साथ। तो देखिए अब जो ये ब्लड जो आ रहा है इनके अंदर उसमें क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है क्योंकि उस पेशेंट की जो किडनी है वो फेल हो चुकी है, वो फिल्ट्रेशन उसने नहीं कर लिया, तो उसके उस ब्लड में क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट होगा। और जो ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक नॉर्मल ब्लड की तरह है, उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट अब नहीं है ना ही साल्ट है। तो क्या होता है, जैसे जैसे पेशेंट का ब्लड इसमें से सर्कुलेट करता है तो क्या होता है कि ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड का जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है डिफ्यूज़न के थ्रू इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल ब्लड की कॉम्पोजिशन जैसा है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो ब्लड से डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा और ये फिल्टर होकर ब्लड जो है वापस पेशेंट को की वेन में चढ़ा दिया जाता है, लाइन कनेक्टिंग टू
टू वेन ऑफ पेशेंट। ये जो लाइन है इस मशीन की, ये पेशेंट की जो वेन है उससे कनेक्टेड रहती है, और ये जो है ये आर्टरी से कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ से ब्लड जो है लिया जाता है पेशेंट का, और जैसे जैसे इन ट्यूब्स में से सर्कुलेट करता है तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में सारा का सारा मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और फिल्टर्ड प्योर ब्लड जो है वो वापस पेशेंट को वेन में चढ़ा दिया जाता है। दिस इज़ द टेक्निक और द प्रोसेस ऑफ द डायलिसिस, और वी कैन से आर्टिफिशियल किडनी। इस तरीके से जो पेशेंट है उसका जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है। यहाँ पर एक बोतल जैसा लगा रहता है जो कि क्या करता है, इसके अंदर जो है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन रहता है, और इसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये दो सेटअप लगे रहते हैं, यहाँ से फ्रेश सप्लाई होता रहता है इस डायलाइजिंग, और यूज्ड सॉल्यूशन जो है वो इसमें वापस इकट्ठा रहता रहता है। इसके अंदर अब क्या है, पेशेंट का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है अब डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ सकता है, आ चुका है, इसको रिमूव कर दिया जाता है और नया बोतल यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, और फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है वहाँ यहाँ पर वापस रिफिल कर दिया जाता है। और फिर दोबारा से, अगर दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करना है तो फिर से ये ब्लड जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जिसमें इन ट्यूब्स के अंदर से पास आउट करवाया जाता है। अब देखिए जो ये ट्यूब है, ये सेलोफेन मटेरियल जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि जो भी एक्सेस अमाउंट में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वही सिर्फ जो है डिफ्यूज होगा डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, बाकी कॉम्पोजिशन ब्लड की और डायलाइजिंग सॉल्यूशन की बिल्कुल सिमिलर है, तो और कुछ भी एक्स्ट्रा डिफ्यूज नहीं होगा। जो ब्लड प्रोटीन है वो भी सेलोफेन से डिफ्यूज आउट नहीं होते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, क्योंकि जो सेलोफेन है उसका जो पोर साइज है वो छोटा है एज कम्पेयर टू जो ब्लड प्रोटीन होते हैं उससे, तो वो फिल्टर आउट नहीं होते हैं। इस तरीके से जो पेशेंट है उसका ब्लड जो है वो फिल्टर किया जाता है इन द आर्टिफिशियल किडनी, और दिस टेक्निक इज नोन एज डायलिसिस, और वी कैन से हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इसलिए कहा जाता है, हीमो जो वर्ड है वो ब्लड से रिलेटेड होता है, तो ब्लड को इसके अंदर से पास आउट करवाया जाता है, और जो भी ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डिफ्यूजन के थ्रू इकट्ठा कर लिया जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस। स्टूडेंट्स, इफ दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू इन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, देन प्लीज कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।